नमस्कार, स्वागत है आपका CL24 न्यूज में। और हम बात आज करेंगे खास जो मुद्दा है देश के जनादेश की। देश का जो जनादेश मिला रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद, अब NDA जल्द ही अपनी लगातार दूसरी सरकार का शपथ लेने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर फिर देश को एक जज्बा, नया व्यक्तित्व फिर सामने आएगा, नए ढंग से, नए तरीके से, जिस तरह 2014 में मोदी लहर चली थी। लेकिन इस बार तो मोदी लहर को सुनामी बताकर पूरे नतीजों को बताया जा रहा है। और जिस ढंग के नतीजे आए हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान के मतदाता बल्कि दुनिया के कई देशों में भी इसकी चर्चा हो रही है कि जिस तरह के जो नतीजे हैं, इन नतीजों के बारे में ना विपक्षी दल सोच सकते थे और ना ही और कई राजनीतिक पंडित भी। हमारे इस स्टूडियो में आज के खास प्रोग्राम में मौजूद हैं राममूर्ति मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दिनेश यादव जी, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। आप दोनों ही मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे जनादेश को लेकर, जिस तरह का जनादेश मिला है, मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे और देश की जो स्थितियां हैं अब की, देश की जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है, और जो आम लोगों ने जो भरोसा NDA पर जताया और कांग्रेस को जितनी सीटें हासिल हुई हैं, अब आने वाले वक्त में कौन से रास्ते होंगे कि कांग्रेस अब नई कोई राजनीति की पहल करेगी, या फिर जो पुरानी गलतियां हैं उनसे सबक लेते हुए आने वाला जो वक्त होगा उसमें किसी तरह का सुधार होगा। सबसे पहला सवाल दिनेश जी आपसे ही, जो ये नतीजे आए हैं, हम मध्य प्रदेश की भी बात करें, मध्य प्रदेश में जो दो सीटें थी उसमें एक सीट और गंवा दी गई। जबलपुर में जो दावा किया जा रहा था कि जबलपुर की जो बहुचर्चित जो सीट थी, इस बार भाजपा के किले में सेंध लग जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रिकॉर्ड मतों से राकेश सिंह चौथी बार जीत गए। जो भी देश के निर्णय आए हैं वो अप्रत्याशित थे। जिस प्रकार की राजनीति या कहीं हम देखें हमारा प्रचार प्रसार चल रहा था, चाहे वो किसी का भी दल का चल रहा हो, पर ये आशा किसी को भी नहीं थी। इवन जीतने वालों को भी ये आशा नहीं थी कि हम इतने बहुमत से जीतेंगे या जहाँ भी हम जीत रहे हैं हम इतने अधिक वोटों से जीतेंगे। अप्रत्याशित जब भी कोई निर्णय आते हैं तो उसके पीछे एक हवा काम करती है और वो हवा बड़ी साइलेंट होती है, और वो हमने देखा है कि इतनी चिलचिलाती धूप में भी वोटिंग के लिए लोग निकले हैं और वो मतदाता खामोश था, जो मतदाता इस बात को वोट करने तैयार था। और जिसमें हम नए मतदाता की बात करेंगे कि जो नया मतदाता आया उसने बहाव में आके वोट किया है, ऐसा हम लोगों का मानना है। राममूर्ति जी, जो ये नतीजे आए, इन नतीजों के बारे में आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है, प्रत्याशियों की जीत मानी जाए, या फिर ये मोदी और शाह की जो जोड़ी रही उनकी रणनीति की जीत है, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी में आप विधानसभा चुनाव के वक्त में शामिल हुए, कांग्रेस में भी आप रहे, कांग्रेस को भी बहुत ही नज़दीकी से आपने देखा, उसकी भी आप नब्ज को पहचानते हैं। जो कांग्रेस की राजनीति और अब भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि वक्त कम हुआ लेकिन आप राजनीति में माहिर रहे हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरी आप जीत को? देखिए, इस बार एक अलग तरह का मैंडेट मिला है, जिसकी अपेक्षा, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन जिस तरह के अंदर अंदर एक लहर चल रही थी मोदी जी की, देश में पूरी तरह से मोदी फैक्टर चला है और मोदी जी ने पूरी देश में आवाम के सामने एक ही बात कर, मोदी को ऊंट, मोदी ने मोदी की बात की और देश की जनता ने उनको स्वीकार किया। आज जनादेश जो हमारे सामने आया है, एक मजबूत जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और मोदी और शाह की जोड़ी निश्चित रूप से एक नया इनकलाब लाया है देश में, 2014 को भी इस बार बीट किया है। पहले 282 सीट थी, आज 303 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। जो NDO को अगर हम मिला लें तो 352 सीट मिलती है, जो अपने आप में ऐतिहासिक पक्ष मजबूत करता है भारतीय जनता पार्टी का। जो मजबूत पक्ष जनता के सामने, आवाम के सामने है,
और मोदी का अपना एक व्यापक व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व निश्चित देश के लोगों ने स्वीकार किया है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो ये इंकलाब का आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, ये इंकलाब को आप किस ढंग से आप देखेंगे? क्या प्रत्याशियों की इसमें मेहनत नहीं रही, और जो प्रत्याशी उतारे गए तो प्रत्याशियों का किसी तरह का उसमें दमखम दिखाई नहीं दिया? और यदि इस तरह के नतीजे व्यक्ति विशेष को लेकर ही आएंगे, देश में इसका क्या संदेश जाएगा आने वाले भविष्य में? किस तरह के जो नए युवा वोटर हैं, आने वाली जो नई पीढ़ी है, उनके सामने इस तरह की जो राजनीति का जो जन्म हो रहा है, ये क्या संदेश देगा? देखिए, ये चुनाव व्यक्तित्व का हो गया। देश में मोदी जी का व्यक्तित्व उभरा। जबलपुर में अगर हम देखें 10% वोट बढ़ा है। ये जो 10% मत बढ़ा, ये लोग आकलन नहीं कर पाए किस दिशा में ये वोट जा रहा है। इसका आकलन न तो कांग्रेस कर पाई, न भारतीय जनता पार्टी पर कर पाई। लेकिन परिणाम आने के बाद अपने आप में स्पष्ट हो गया कि मोदी की बेब चल गई। आपने 2014 में देखा होगा, उस समय भी मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, ये 2019 में रिपीट हुआ है। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का अपना जो मजबूत पक्ष उभरा है, पुलवामा का जो कांड हुआ उसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व मोदी जी ने पाकिस्तान में अटैक किया, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वो बहुत बड़ा माइलेज देश को दिया। आम आदमी के बीच में जो संदेश गया, जिसके कारण मोदी जी का गरिमा और ग्राफ बहुत आगे बढ़ा है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। दिनेश जी, सर्जिकल स्ट्राइक और जो राष्ट्र को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर जो जिक्र किया राममूर्ति जी ने, ये देश ने जो जनादेश दिया, ये उसकी जीत है, ना कि जो दूसरे और मुद्दे, क्या ये मतलब निकाला जाए? हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलवामा के बाद जो भी देश के अंदर के मुद्दे थे, 2014 के वो जो वादे थे जो मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की थी, वो सबके सब पुलवामा से वहाँ के बाद में छिप गए वो मुद्दे। हमने, कांग्रेस ने कई बार उन वादों को जनता तक पहुंचाने और याद दिलाने की बात की, पर जिस प्रकार से राष्ट्रवाद का मुद्दा आया, उस पर विशेष तौर पर वो युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया पर समय देती हैं, जो तर्क वितर्क करती हैं, वो उसको ऐसा लगा कि हम राष्ट्रभक्ति की जो बात करेंगे वो वोट दे के, और ऐसा आह्वान भी किया गया। मोदी जी ने कहा भी है कि आपका वोट जो आएगा वो इस देश के लिए आएगा, मेरे लिए आएगा, उस सेना के जवानों के लिए आएगा। ये आह्वान बड़े मार्मिक थे और अपील करता थे, और उसका फ़ायदा उस भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पर इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो हुआ है, इसको हम आम जनता तक बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पाए, जिसके कारण कांग्रेस को लाभ नहीं हो पाया। पर हम आपको बता दें कि पुलवामा का जो केस हुआ वो स्वयं घटना में वर्तमान की सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। कि एक तरफ तो जब बात हुई थी 2014 में, मोदी जी खुद बोलते थे कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, देश के अंदर आतंकवाद पनप रहा है, और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में ही पुलवामा का केस हुआ, तो बाकायदा जितने दोष वो कभी मनमोहन सिंह जी को देते थे, वो स्वयं उसके दोषी रहे। साथ में आपने देखा हो कि उन्होंने जो स्ट्राइक में किया क्या, एक हमने लिया, रातों रात हमने जाके एक जगह बम फेंका, और सुबह लोगों ने टीवी चालू की और पता चला कि ऐसी घटना हुई है, और जिसमें गिनती भी गिनाई गई कि 300 आतंकवादी मारे गए। जब 300 आतंकवादी मारने की जब बात मीडिया के द्वारा आई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, तो स्वाभाविक है विपक्ष के नेता होने के कारण विरोधी दल के लोगों ने ये पूछा कि ये गिनती कहाँ से मिली। तो जवाब ये ना देखे कि ये गिनती कहाँ से मिली, इस बात को प्रचारित किया गया कि लो हमारा काम है मारना, हमारा काम गिनना नहीं है, और विपक्ष विरोधी नेता जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, ये जाके वो इस बात को सफल था। जबकि हकीकत बात ये, यही बात तो हम पूछ रहे थे कि आपने मारा है तो वो 300 की गिनती आपको मिली कहाँ से, आप कैसे बता रहे हो? और अभी तक आपने देखा हो वो 300 गिनती की पुष्टि नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आज भी ये बता नहीं पाई कि कितने लोग हो सकता है। जैसे हमने भी अपने भाषणों में और कई बार जनता तक पहुंचाने की बात की कि जब पुलवामा हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हुए, वो एक जगह एक प्रदेश के नहीं थे, देश के अलग अलग गांव शहर के लोग थे। बाकायदा उनके शवों को, पार्थिव शरीरों को उनके परिवार में पहुंचाया गया,
आसपास लोग उनके अंतिम यात्राओं में सम्मिलित हुए और उन्होंने इस बात के लिए भी दुख मनाया कि आज हमारा बेटा, हमारा लाल देश के प्रति समर्पित और वो शहीद हो गया। ऐसे ही वो 300 लोग एक जगह एक स्थान के नहीं रहे होंगे, वो भी वो जो लोग रहे होंगे वो पूरे पाकिस्तान के रहे होंगे, वो भी अलग अलग गांव, अलग अलग शहर के रहे होंगे। हम अगर ये मान भी लें कि इस समाचार को पाकिस्तान ने छिपा लिया और वहाँ के 300 लोगों को वहीं के वहीं दफना भी दिया, उन्हें अंतिम क्रिया भी कर दी, उन शवों को उनके परिवार तक नहीं भी पहुँचाया, तब भी वो परिवार तो जिंदा है ना, जो इस बात को मातम मना रहे होंगे कि आज हमारे वो अगर हैं नहीं है तो आज हमारे उसके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं। आज भी इस वक्त भी भारत के और पाकिस्तान के तीन समाज के रिश्ते हैं, पहला मुस्लिम, दूसरा पंजाबी, तीसरा सिंधी। ये तीन ऐसे हमारे यहाँ के समाज हैं जिनके आज भी रिश्ते हैं, भले हम नए रिश्ते नहीं बन रहे हों परंतु आज भी उन परिवारों में बात होती है। कभी किसी ने ये नहीं बताया कि हमारे पड़ोस में जो अभी जो घटना हुई है उसमें से एक जो आतंकवादी मारे गए उसमें से एक हमारे पड़ोस का भी था जिसके घर में मातम है। तो इस बात को आज भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नहीं कर पाई, हमने जो बताया जनता उस तक जनता यह तो समझ नहीं पाई या हम उसे समझा नहीं पाए, इसलिए राष्ट्रवाद का मुद्दा था और वो हावी था और ये जो करंट था वो ये साथ में था और उसी कारण इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी। रामूर्ति जी, आप कितना इत्तफाक रखेंगे दिनेश जी ने जो दोहरे रूप से बता रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर और जो पहले पुलवामा का जो अटैक हुआ, जो स्ट्राइक हुई, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आरोप है कि उस हमले को लेकर जो कांग्रेस आपत्तियां उठाती रही, सवाल करती रही, उसके जवाब नहीं मिले, उसके बावजूद भी यदि इस तरह का जनादेश आता है तो क्या कांग्रेस के इन बातों में किसी तरह का दम नज़र आता है? देखिए, विपक्ष का अपना काम है, वो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, लेकिन सापेक्ष पक्ष ये है कि पाकिस्तान में हमारी वायुसेना ने जिस तरह से बम ब्लास्ट किया है, पूरा देश देखा है और पूरी दुनिया देखा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। अपने आप में राष्ट्रवाद की बात करना, अगर हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो अनुचित क्या है, देश में हम राष्ट्रीयता की बात उठाते हैं तो अपने नौजवान जो हमारे शहीद हुए उनकी हम वीरता की बात करते हैं, अगर हमारे वायुसेना के सिपाही अगर वहाँ पर बम ब्लास्ट करते हैं और पूरा देश देखता, दुनिया देखती, उसकी चर्चा तो होगी ही, देश ने उसको स्वीकार किया, देश ने उसको माना और विश्व ने भी इस बात की सराहना की, पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार किया कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सही निर्णय लिया, सटीक निर्णय किया। बम ब्लास्ट जो हुआ है अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दिया आतंकवाद के खिलाफ में, और जो अपने आप में पूरी तरह से नींव हिला दी पाकिस्तान की, पाकिस्तान की चूलें हिल गईं और हिंदुस्तान ने उसको स्वीकार किया, जनता की आवाम, हमारे देश की आवाम ने उसको स्वीकार किया। उसका कारण है कि हमारे सामने उसका रिजल्ट है, उसका परिणाम हमारे सामने है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः बनने जा रहे हैं और जनता ने स्वीकार करके और ज़बरदस्त जनादेश दिया है, जिसकी उम्मीद हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जनता ने स्वीकार किया इस राष्ट्रवाद को और जनता ने स्वीकार किया मोदी जी के साहस को, जनता ने ये स्वीकार किया कि मोदी जी ने बहुत सही निर्णय लिया आतंकवाद के खिलाफ में, उसका ही परिणाम है जो चीज़ हम मान नहीं रहे थे उसको जनता ने स्वीकार किया और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और जनादेश दिया जो हमारे आपके सबके सामने है। हालांकि कांग्रेस भी 6 सर्जिकल स्ट्राइक पहले होने का दावा भी कर चुकी है, उसकी भी आपने चुनाव के वक्त में भी वो देखे होंगे, लेकिन आप दिनेश जी क्या इन मुद्दों के अलावा बाकी और कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे क्या देश में, बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, आर्थिक नीति का मुद्दा हो, इन सभी उसमें देखा जाए तो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक कहीं भी नजर नहीं आया कांग्रेस की तरफ से, सिर्फ इक्का दुक्का डायरेक्ट नरेंद्र मोदी पर ही अटैक, एक दो राफेल का मुद्दा हो, इन मुद्दों के सहारे के चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस निकली थी। और 2014 से क्या सबक लिया गया, यदि 2014 में जिस तरह की स्थितियां निर्मित थी उस समय एक कहा जा सकता है एंटी इनकम्बेंसी थी और मोदी की लहर कह ले, तो क्या उससे भी सबक कांग्रेस ने नहीं लिया और इस बार बिना तैयारी बिना उसके मैदान में कूद पड़े? नहीं नहीं, कांग्रेस की अपनी तैयारी थी, कांग्रेस ने जो 2014 में जो भी वादे किए गए थे, जो भी बात हुई थी, हमने उसमें नोटबंदी को भी लिया, हमने GST को भी लिया, ये तमाम मुद्दे पर कांग्रेस तैयारी थी। परंतु चुनाव के एन वक्त में जो ये घटना पुलवामा की हुआ, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ
और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर जैसे आपने देखा होगा कि अभिनंदन का वहाँ पे प्लान क्रैश हुआ, अभिनंदन वो उस बार पाकिस्तान की बॉर्डर में पहुँचे, वहाँ से फिर वापस आए, ये तमाम जो चीज़ें थी इसको देखते हुए राष्ट्रवाद के मुद्दे ने इन सभी मुद्दों को ढांक दिया। जनता ने को सबसे पहले राष्ट्रवाद का मुद्दा देखा और उस राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उसने वोट कर दिया। तो अब ये मानते हैं आप कि अब राष्ट्रवाद की बात करने वाली जो राजनीतिक दल होंगे, पार्टियां होंगी, मतदाता भी उसी को पसंद करेंगे और आने वाला राजनीतिक भविष्य है और जो उसकी दिशा है, अब वो दिशा भी अब बदलेगी। देश के अंदर कोई भी देश हो, चाहे वो अब भारत एक बहुत विशाल देश है, मैं समझता हूँ जो बहुत छोटे छोटे देश हैं वो भी राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित रहते हैं। कोई भी देश का कोई भी नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता है, वो हर परिस्थितियों का सामना करता है, अंतिम सांस तक तन मन धन तक वो अपने राष्ट्र के लिए समर्पित करता है। आज वही स्थिति भारत देश की, भारत में भी इस राष्ट्रवाद का मैटर जो आया है हमेशा से रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या 70 सालों तक या कांग्रेस ने जो शासन किया क्या वो ऐसे कर लिया गया? इससे बड़े बड़े हमने युद्ध लड़े, चाहे वो हमारे इंदिरा जी के समय का हो, चाहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय का हो। ये तो अभी अभिनंदन जी के जो छूटने की बात आई थी और उसका श्रेय बकायदा मोदी जी को मिला भी है और उन्होंने लिया भी है, पर हम आपको बता दें ये पहली घटना नहीं है। लेकिन ना तो अभिनंदन जी का वापस आना ना कोई पाकिस्तान का एहसान है और ना कोई मोदी जी की बहादुरी थी, वो जिनेवा संधि के तहत है। जिनेवा संधि के तहत इंदिरा जी को भी अपने समय पे लगभग 90,000 सैनिकों को वापस करना पड़ा था। 1949 की वैसे तो 1806 में संधि बनी, आखिरी उसका संशोधन होते होते 1949 में हुए। और आपको बता दें कि 94 देश इस एक संधि से में हैं जो एक दूसरे की सीमाओं से लगे हुए हैं, और वो संधि इसलिए कि कभी कभार अगर मान लीजिए पहले तो इतना संसाधन नहीं था कि हम बॉर्डर बना सकें, ये बॉर्डर हर बॉर्डर पे हम अपनी सेना खड़ी कर सकें, तो ये तय हुआ था कि कभी हमारा नागरिक भूले भटके, कोई भी कोई चरवाहा आपके यहाँ चला जाए, कभी हमारा नागरिक कभी ऐसे चले जाए तो आप उसको वापस करेंगे। समुद्र है, समुद्र में बॉर्डर नहीं बनाई जा सकती, मछुआरे रहे, मछुआरे यदि चले आए तो वापस होते हैं और आपने देखा वो वापस भी हुए। ऐसे ही हमारा कभी सैनिक किसी कारण से चला जाए तो आप बाकायदा उसको हमारे वापस करेंगे बगैर कोई प्रकार के टॉर्चर यातना दिए। उसी के तहत अभिनंदन जी का वापस हुआ और वो सबने गर्व भी महसूस किया। अब ये सब क्या है, चुनाव का इतना करीब का वक्त था कि पूरे देश में एक लहर बनी और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और मोदी को मिला। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस के जो शासनकाल रहे उसमें युद्ध भी हुए, कई पहले भी इस तरह की जो है जो आतंकी वारदात थी, आतंकी वारदातों को कम करने में कांग्रेस, तो उसका फायदा कांग्रेस क्यों नहीं उठा पाई? कांग्रेस के पास तो इतने सालों का वक्त मिलता रहा, 2014 का भी, फिर आप चुनाव क्यों हारे? राष्ट्रवाद का ही यदि खाली एक मुद्दा, उसके सहारे यदि इस जनादेश को आप श्रेय दे रही है, कांग्रेस पार्टी श्रेय दे रही है, तो पहले भी जो युद्ध जीते गए उसका फायदा कांग्रेस नहीं उठा पाई? इसका फायदा जब जब ये कभी लड़ाइयाँ हुई हैं जिस सनों में जिनके कार्यकाल में, उसका फायदा लगातार इस बात का मिला भी है। राष्ट्रवाद में हर व्यक्ति तैयार भी था और कांग्रेस के साथ खड़ा था उस समय भी। वर्तमान में जो आप दो अभी कर रहे हो तो आपको हम बता दें एक युवा पीढ़ी जो तैयार हुई है उसको अभी पुराने बहुत से इतिहास की जानकारी नहीं है, और वो इतिहास को जानने की जगह अपने सोशल मीडिया इंटरनेट पर भरोसा कर रही है। इंटरनेट पर कई चीज़ें जो हैं तोड़ मरोड़ के भी पेश की जाती हैं, कई जगह हमने खुद को देखा है, कई बार ऐसे विवादित चीज़ें भी हैं जिसका भाई इंटरनेट में हमने जो भरा है वही बताएगा। आज नई पीढ़ी पुराने इतिहास से वाकिफ नहीं थी और अब इतना समय नहीं था हमारे पास कि हम एक एक व्यक्ति को, एक एक पीढ़ी को इस बात से हम जानकारी दे पाएँ या उसका परिचय करा पाएँ जिसका हमें नुकसान हुआ है। दिनेश जी का कहना है इतना वक्त नहीं मिला हर एक एक घर तक पहुंचाने, अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। आप भी पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी में, भाजपा में आज भले ही आप हैं, क्या आपको आपके नज़रिए से क्या कमजोरी दिखती है कि कांग्रेस फेल रही बेसिक मुद्दों पर? गुना जैसी सीट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की नामी सीट थी वहां पर हार गई, राहुल गांधी अमेठी में हार गए, ऐसे कई बड़े नाम हैं जहां पर सीटें कांग्रेस ने गवा दी। देखिए कांग्रेस का नेटवर्क बहुत कमज़ोर है, कांग्रेस ने अपना नेटवर्क तैयार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस बड़ी मजबूती के साथ काम करता है, गांव-गांव तक उनकी अपनी पहुंच है, उनका लिटरेचर, उनके काम,
उनका सोच, उनका विजन, उनका नज़रिया, जनहित के मुद्दे सब लेके वो चलते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है राजनीति के क्षेत्र में। ये कांग्रेस के पास बिल्कुल नहीं है और कांग्रेस में अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है। और चाटुकारिता बहुत बड़ी है कांग्रेस में, जो चाटुकारिता और पैसे का जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसको स्वीकार करता है। क्वालिटी और योग्यता की तो मायने ही नहीं रखता कांग्रेस में, जो पीछे होने का बहुत बड़ा कारण है। मैं कहता हूँ अगर दिनेश में काम करने की क्षमता है, अगर उनमें चाटुकारिता की क्षमता नहीं, उनके पास पैसा नहीं है, तो राजनीति में सफल नहीं हो सकते हैं। वो बड़े नेता के बड़े करीब नहीं पहुंच सकते हैं जितना पैसा खर्चा कर करके, आदमी को खरीद करके, लोगों को खरीद करके अपनी पहुंच बना सकता है। ये रेखांकित कांग्रेस नहीं करती है, जिसका खामियाजा धीरे धीरे 70 सालों में भोगना पड़ रहा। ये धीरे धीरे क्रम नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देश को बहुत कुछ दिया कांग्रेस ने। सवाल उठता 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ नहीं दे दिया है, लेकिन 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में बहुत कुछ मिला है और मिलने की संभावना बन गई है। देश एक तरक्की की ओर जाएगा, इसमें दो राय नहीं। बहुत सारी चीज़ों का जो उम्मीद किया देश की जनता ने, देश के आवाम ने जो उम्मीद किया है मोदी जी से, निश्चित रूप से आने वाले में साकार होगा, उसका मजबूत पक्ष दिखेगा। प्रश्न आपको कांग्रेस का लेकर था, मेरे पास आज बीजेपी का भी विजन है, जो मैं देख रहा हूँ, जो अनुभव कर रहा हूँ, जो उनका डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है। कमियां तो हर जगह होती हैं, थोड़ा बहुत कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है। इस बात को दिनेश जी भी स्वीकार करेंगे अगर वो काम करते हैं। काम का मूल्यांकन नहीं होता यहाँ पे। अगर इन्होंने अच्छे नेतृत्व तो अपने दम पे उठाने की कोशिश किया हो, तो इसको दबाने की कोशिश की जाती है, ये नेता बन जाएगा। ये जो सबसे बड़ा कमजोर पक्ष कांग्रेस का है, वो रिकग्नाइज नहीं किया जाता, उसको अपलिफ्ट नहीं किया जाता। अब कांग्रेस में नेता बचे हैं, कार्यकर्ताओं का बहुत अभाव हो गया है। इनकी जब कमेटियां बनती हैं, हमारी कांग्रेस की कमेटियां बनती हैं, 150, 300, 400, 500 पदाधिकारी बना दिए जाते हैं, लेकिन जब मीटिंग होती है कांग्रेस की, तो उसमें 200 आदमी से कम पद के 50-60 लोग पहुंचते हैं। तो सवाल उठता है, जब भारतीय जनता पार्टी में 8 उपाध्यक्ष होंगे, 4 महामंत्री होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाया जाता ना। तो उसकी मर्यादा भारतीय जनता पार्टी जो मेनटेन कर रही है, उस मर्यादा को कांग्रेस मेनटेन नहीं कर पाती। और सवाल ये उठता, जो काम करने का उनका ढर्रा है, जो ढर्रा रहा है, उसमें सवाल ये उठता, काम करने वाले को लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है कांग्रेस। यहाँ पे तो एक अनुशासन का डंडा जो आरएसएस का चलता है भारतीय जनता पार्टी पे, उससे भी काम करना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ जिस तरह का अनुशासन इसे सीखना चाहिए कांग्रेस को, जो भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस का विंग, उसको भले आरोपित करता हो विपक्ष, कांग्रेस भले आरोपित करता हो, लेकिन कांग्रेस को अगर अब जीवंत होना है, तो उसे इस तरह का खेडर तैयार करना पड़ेगा। इनके यहाँ एक सेवा दल, हमारे यहाँ सेवा, अब हम कहें कि हमारे दल कांग्रेस का वजूद, मेरा भी 3 महीने का मैं बच्चा हूँ भाई, भारतीय जनता पार्टी में मेरा सहसो काल है, लेकिन ये 3-4 महीने में जो मैंने भारतीय जनता पार्टी में अनुभव किया है, जो मैंने देखा है, बड़ी शालीनता के साथ काम किया जाता है। इनका केडर है, इनके केडर में वर्क दिए जाते हैं, वर्क का बड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर तरह के लोग काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां फिक्स की जाती हैं, उन जिम्मेदारियों का आकलन होता है, उसका आकलन करके उनको प्रमोट किया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में, जो कांग्रेस में देखने को नहीं मिलती है। कांग्रेस में चमचाबाद बहुत बड़ा भारी पड़ गया है, जिसके कारण 70 साल में कांग्रेस धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है। दिनेश जी, जो राममूर्ति जी बता रहे चाटुकारता, चमचागिरी कांग्रेस में, और जो अनुशासनहीनता है वो चरम पर है, जिसका खामियाजा साल दर साल पार्टी को देश के हर राज्य में उठाना पड़ा। और यही वजह है कि अभी जो मौजूदा जो नतीजे हैं, लगभग देश के हर हिस्से से कांग्रेस गायब है, 6-7 राज्यों को छोड़ दिया जाए जहाँ पर खाते खुले। अब अलग अलग पार्टी के अपने तरीका होते हैं और पार्टी अपने हिसाब से काम करती है, ये बात ज़रूर है कि बाकी तो नहीं है, सब पार्टी के प्रति वफादार होते हैं, पार्टी के झंडे के नीचे ही सब बातें होती हैं, निर्णय होते हैं, काम होते हैं। हाँ, कुछ अनुशासन की कमी की अगर कहीं बात है, तो वो हम लोग समय समय पर पार्टी फोरम में उठाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अनुशासन चलता रहे। कई बार अनुशासन सफलता भी चला जाता है, कई बार कहीं ना कहीं, क्योंकि आज़ाद कांग्रेस की जो फितरत है, वो आज़ादी की लड़ाई लड़के यहाँ पर पहुँची है और आज़ादी की लड़ाई में उसने अपने आप को आज़ाद रहने की आदत डाल रखी है और वो फितरत अभी भी हमारे जीन्स में है। हम बहुत ज़्यादा अनुशासन में बंद के रह के काम करना हम पसंद नहीं करते हैं,
तो ये अभी कुछ हमारे साथ है, परंतु बहुत जल्दी आप इसमें बदलाव की स्थिति देखेंगे। जब से आपने देखा होगा कि जब विगत हमने एक साल डेढ़ साल पहले से इस पर जो बदलाव किया था और उसका रिजल्ट हमें विधानसभा चुनाव में मिला था कि हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जगह जैसे प्रदेशों में उस पर सफलता भी प्राप्त की है। अब कहीं और का बाकी है तो वो भी बाकायदा उस पर सुधार करने की आवश्यकता और की जाएगी। यही सवाल यही उठ रहा कि जहां पर 6 महीने पहले 3 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है, आप प्रत्याशित इन 3 राज्यों में भी परिणाम आते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन गई, जिस तरह अभी जो पूर्ण बहुमत के साथ में एनडीए की सरकार आई, भाजपा को जितनी सीटें मिली, भाजपा को प्रत्याशियों को भरोसा नहीं था उतने मतों से जीतेंगे, ऐसे ही विधानसभा में भी कांग्रेस को भरोसा नहीं था सरकार आएगी, और अचानक ऐसा क्या होता है कि जो सीटें पहले विधानसभा चुनाव में हासिल हुई थी वहां के किलों पर भी सेंध लग जाती है और वहां से भी हार जाती है पार्टी। नहीं, अपन इसकी पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि चुनाव से लगे समय पे ये पुलवामा का जो केस हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद माहौल बदला है। नहीं, अगर कहीं हमने, क्योंकि विधानसभा जो चुनाव जीते थे वो हमने वर्तमान में भाजपा सरकार के जो गलत नीतियाँ थी उसके खिलाफ जीता था, हमने देश की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी उनकी नीतियों के खिलाफ हमने चुनाव जीता था, बाकायदा जनता ने उसको स्वीकार भी किया था। पुलवामा का जो घटना, अब वो तो चुकी, अब आज चुनाव हो चुके हैं, बात हो चुकी है, पर आपको बता दें आज नहीं, भले ही 5 साल सही, 10 साल सही, और थोड़ा सा समय लग जाए, मैं आज जो आज खुद व्यक्तिगत रूप से सोच रहा हूँ और मेरे मन में जो बात आ रही है, ये हो सकता है कभी ये बात सच निकल जाए कि पुलवामा की घटना ना हो, किसी राजनीति षड्यंत्र का भी रास्ता हो सकता है, तरीका हो सकता है। राममूर्ति जी, आपने राष्ट्रवाद को लेके भी आपने जिक्र किया था, मौजूदा अब राजनीति है, सरकार फिर से अब नरेंद्र मोदी जी की बनने जा रही है, और उन्होंने जिस दिन ये नतीजे आए उस दिन शाम को उन्होंने संबोधन भी दिया, अपना भाषण भी दिया, उनका साफ अलग अंदाज था कि मैं ना अपने लिए कुछ करूंगा, देश के लिए समर्पित हर कुछ रहेगा, लेकिन जो कुछ ऐसे फैसले और कुछ नए जो संदेश निकल कर आए इस पूरे चुनाव में, भोपाल का उदाहरण आपके पास में, साध्वी प्रज्ञा का, जो नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहती हैं, आज ऐसा ही सांसद अब जनता से चुना हुआ है वह संसद पहुंचेगा, किस तरह का संदेश जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्ञा भारती के उस वक्तव्य को खारिज कर दिया, उसको स्वीकार नहीं किया, वो उनकी अपनी निजी प्रतिक्रिया थी, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट रूप से उसको खंडन किया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सवाल ये उठता है कि विपक्ष की जो भूमिका होती है, विपक्ष जो अपना काम करता है, दोषारोपण करने से समाधान उनको नहीं मिलेगा। अगर प्रज्ञा भारती में कुछ कमज़ोर पक्ष थे तो उनको जनता के सामने ले जाना चाहिए था। जब जनता ने स्वीकार किया, 3.5 लाख मतों से प्रज्ञा भारती जीती हैं, तो उसको हम साधारण रूप में नहीं ले सकते हैं। जनता ने जनादेश क्यों दिया? अगर उसका कमज़ोर पक्ष था, कमज़ोर पक्ष दिख रहा है, ये विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए तो उसको प्रमाणित करता और जनता के बीच में वो बात ले जाता और उसका मजबूत पक्ष उभर कर आता, लेकिन वो बातें गौण हो गई, उस बात को ढंग से नहीं उठा पाए जो कहना चाह रहा है विपक्ष। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद है, जो मोदी जी का वजूद बना, वो सब पर भारी पड़ गया, सारी चीज़ें, कटाक्ष, विपक्ष की बातें, ये बातें, नकारात्मक बातें, सब दूसरी तरफ हो गई, मोदी जी एक तरफ हो गए, पूरे देश में उनका परचम फहरा गया है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी की लहर चल पड़ी और भारतीय जनता पार्टी का राज देश में पुनः, और प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी, इसमें दो राय नहीं है कि देश में एक जो जड़ा संदेश मिला है मोदी और शाह की जोड़ी, निश्चित रूप से बड़ा कमाल किया है और इसमें इसको कोई झुठला नहीं सकता। दिनेश जी, क्या ये संदेश किस तरह का पहुंचेगा संसद के भीतर जब साध्वी प्रज्ञा पहुंचेगी? वही सवाल हमने राममूर्ति जी से किया था, आपसे भी सवाल कि जो गांधी की विचारधारा का प्रचार प्रसार 2014 में सरकार बनने के बाद किया था नरेंद्र मोदी ने, उन्हीं की पार्टी में शामिल होने के बाद उनको टिकट दी जाती है और नाम गोडसे को देशभक्त कहा जाता है और उसको बाद में फिर निजी बयान और फिर जिस तरह की जो स्थितियां बनी,
ऐसे में हालांकि 3.5 लाख वोटों से वो जीत रहे हैं, 3.5 लाख वोटों से जीत रहे, उन्हें जितने भी मत मिले इसी आधार पर मिले कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया। ऐसे में आने वाले भविष्य में किस तरह की ये राजनीति के दरवाजे खुल रहे हैं कि देश का राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी और उनको गोली मारने वाले को देशभक्त कहा जाता और वो संसद में जनता की आवाज़ उठाएंगे। आप देख रहे होंगे ये जब से गांधी जी की इन्होंने गोली मारकर हत्या की है तब से एक बहुत बड़ा ये संगठन जब से लगातार ऐसे कृत्य करता चला आता है और समय समय पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। अभी प्रज्ञा ठाकुर ने ये बात कही, इसके पहले इसी मध्य प्रदेश के अंदर गोडसे का मंदिर बनाया गया, इसके पहले और हम अभी जब पिछले 2 अक्टूबर को हम जब गांधी जी की जयंती मना रहे थे और बलिदान दिवस हम मना रहे थे उस दिन 30 जनवरी को, तब हमने देखा सोशल मीडिया में किसी एक भगवादारी महिला के द्वारा उनके पुतले पे गोली चलाई जा रही थी, और उसके पहले भी हम सोशल मीडिया में देखते रहे हैं तो एक ऐसा ग्रुप है जो बार बार गांधी जी को अपमानित करने की कोशिश करता है। ये वही हैं जो जिनको हम कभी कभी अपने भाषणों में गोडसे के वंशज बोलते चले आ रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है, ये साजिश के तहत है और इस चीज़ को बाकायदा जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। चूँकि महात्मा गांधी जी इस देश के ऐसे राष्ट्रपिता हमारे हुए हैं जिनको विश्व पूजता है, विश्व को पूजने के कारण यहाँ पे उस जो विचारधारा है उसको मौका नहीं मिल रहा है कि हम इसके आगे निकलें, परंतु जो आज लोग सत्ता सरकार में हैं बहुत कुछ हैं। अभी आप देख लेना कि ये घटना अगर हुई, भाजपा ने अगर अपने कदम इस विचार से खारिज भी कर लिया, पर आपने देखा कि उनके ही संगठन गठबंधन के एक व्यक्ति नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ पर प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा से अलग कर देना चाहिए। क्या उस पर कोई अमल हुआ? अब तो चुनाव भी जीत गए, सांसद ही बन के पहुँचेंगी और उन्होंने इस पर अभी खारिज भी की। आप बात यही है कि इस देश में कौन सी विचारधारा चलेगी। इस मामले में हमारे भी कल ही दिग्विजय सिंह साहब ने पत्रकार वार्ता ली और उन्होंने ये बोला भी है कि यहाँ पर गांधी की विचारधारा हार गई, गोडसे की विचारधारा जीत गई। ये देश में एक माहौल बना के ये तो अभी चलेगा और एक समय उस समय तक चलेगा जब तक मुझे लगता है कि आम व्यक्ति गांधी और गोडसे को जब तक मैं तुलना ना करने लगे। खासतौर पर वो युवा पीढ़ी जो ना तो आज़ादी को जानती है ना गांधी विचारधारा को जानती है, जिसको ये मालूम नहीं है, पर वो सिर्फ सोशल मीडिया में बताए गए चीज़ों पे अमल करके और उस पर अपने पूरी राय व्यक्त करती रहती है। हमारी कोशिश है कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे न रहे परंतु गांधी विचारधारा को लेके हमेशा देश के अंदर लड़ाई लड़ती रहेगी। देखते हैं कितने गांधी की विचारधारा के लिए लड़ाई ये कांग्रेस आगे तक लड़ेगी। राममूर्ति जी, एक सवाल आपसे, अब बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, उनका मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा, आने वाला जो अब वक्त है उसमें किस तरह की अब चुनौतियाँ होंगी इस सरकार के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो जनता की जो उम्मीदें हैं राष्ट्रवाद के मुद्दे के सहारे तो दोबारा सत्ता पा ली गई, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं वंचित क्षेत्र हैं उनकी उपेक्षा पिछले 5 सालों में भी होती आई। 80 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जो 2 जून की रोटी का उनके पास में सहारा आज भी नहीं है। बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, हायर एजुकेशन की समस्या है, देश से युवा विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इन सारी चुनौतियों से आने वाले 5 साल में किस तरह से अब ये लड़ाई लड़ी जाएगी? अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, जो जनादेश मिला वो छप्पर फाड़ कर मिला। देखिए मोदी का जो विजन है, मोदी जी का जो विजन है दूरदर्शी है, उनकी दूरदर्शिता निश्चित रूप से 5 साल में देखने को मिलेगी। जिन मुद्दों को आपने उठाया है, बेरोजगारी का, शिक्षा का, देखिए मोदी जी ने स्वास्थ्य पे, स्वच्छता पे, इन सारे मुद्दों को लेकर चले, उसमें काफ़ी सफल भी हुए। निश्चित रूप से इस बार मोदी जी बड़े ऊर्जा के साथ काम करेंगे, बड़े सोच के साथ काम करेंगे, वो एक नया इनकलाब देश में लाएंगे, एक नए भारत का सृजन करने की सोच उनकी बनेगी। निश्चित रूप से जिस तरह से उनको जनादेश मिला है अब उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देश के सामने उन चुनौतियों को
अपने हिसाब से उस कसौटी पर को खरा उतरना होगा जिस तरह से जनादेश उनको मिला है। निश्चित रूप से देश का आवाम, देश की जनता इस बात की अपेक्षा भी करती है और उस कसौटी पर उनको चाहती है कि कसौटी पर खरे उतरें। और मोदी जी की निश्चित रूप से सोच है, जो उनका विजन है, जो अपन उनको सुन रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, जो उनका विचार आ रहा है हमारे आपके सामने, निश्चित रूप से इस 5 वर्ष में कर गुजरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको प्रचंड बहुमत मिला है। हर तरह के अध्यादेश को पारित कराने में सक्षम होंगे अब तो। ये निश्चित रूप से जो सारी चीज़ें हमारी पूरी नहीं हुई हैं, जो पूरा नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें पूरी होगी और नए भारत का निर्माण होगा, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ, ऐसी मेरी अपनी सोच है। निश्चित रूप से एक नए भारत का उदय होगा मोदी जी के नेतृत्व में। दिनेश जी, जबलपुर संसदीय सीट की बात करें, फिर से इस बार करारी हार हुई और अब उम्मीद यहाँ की जनता कर रही है कि यहाँ के जो चौथी बार सांसद चुने हुए हैं लगातार राकेश सिंह, उनका प्रतिनिधित्व और ज़्यादा बढ़े और महाकौशल के लिए मंत्रिमंडल में भी जगह जो मिले तो वो जबलपुर से ही निकले, जबलपुर समेत पूरे महाकौशल का ही विकास हो। हम जबलपुर संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में जो वोटों का फासला रहा विधानसभा और हम अभी लोकसभा में देखें, बहुत फासला बढ़ गया। अब आने वाले वक्त में कांग्रेस इस फासले को कैसे जो है पटा पाएगी? 4-6 महीने बाद नगर निगम के चुनाव भी हैं और प्रदेश में सत्ता आपकी है। कमलनाथ जी ने कहा था, बयान दिया था जब प्रत्याशी के तौर पर विवेक तन्खा को बनाया था, कहा था कि चुनाव विवेक तन्खा जी लड़ रहे हैं, विवेक तन्खा जी को प्रत्याशी बनाया गया है लेकिन चुनाव मैं लड़ रहा हूं। यानी यहां पर हार सिर्फ विवेक तन्खा की नहीं हुई, कमलनाथ जी की हार हुई? नहीं, ना तो यहाँ कमलनाथ जी की हार हुई है, ना यहाँ विवेक तन्खा जी की हार हुई। ये एक आंधी थी जो आंधी आके निकल गई। आपको मालूम है कि आंधी ज़्यादा देर रहती नहीं है, सामान्य जो हवा चलती है वो सामान्य हवा सदैव रहती है। आंधी तो का एक पल रहता है, बहुत क्षणिक समय रहता है, अब वो आंधी के रूप में आके निकल गया। लेकिन आंधी मिटा भी देती है बहुत चीज़ों को, तो क्या माना जाए कि दूसरी बार जो भरोसा किया विवेक तन्खा जी को, उनके उम्मीदवार बनाया गया, तो अब मैं फिर कह रहा हूँ, विवेक तन्खा जी में जो क्षमता है, विवेक तन्खा जी जिस सोच के धनी हैं, विवेक तन्खा जी जो शहर के लिए करते हैं, वो आज चुनाव हारने के बाद भी इस शहर के लिए करते रहेंगे। हाँ, जनता ने जरूर उनको 2 बार चुनाव हरा के इस शहर का नुकसान किया है, फिर भी मैं कह दूँ कि एक तरफ 15 साल राकेश सिंह जी की बात सामने आई थी, राकेश सिंह जी के स्वभाव को भी मैं जानता हूँ, उनके कार्य क्षमता को भी जानता हूँ। जो आदमी 15 साल में कुछ नहीं कर पाया, वो आगामी 5 साल में कितना कर पाएगा, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह है। हम बल्कि जबलपुर संस्कारधानी के नागरिक होने के कारण जबलपुर के और भले के लिए, जनहित के लिए मैं जरूर निवेदन करूंगा कि उनको मंत्री पद मिलना चाहिए, ताकि हमारे जबलपुर का कुछ ना कुछ लाभ हो, ये इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। पर ये मंत्री पद मिलने के बाद वो कुछ कर पाए तो ही उपयुक्त होगा। वैसे तो मुझे विश्वास है कि अभी बहुत इनसे भी बहुत सीनियर लोग हैं और ये अवसर शायद जबलपुर को मिले, ऐसी कोई अभी सामने स्थिति नहीं है। और पर मैं चाहूँगा कि वो मंत्री पद भी प्राप्त करके लाएं, ताकि इस जबलपुर का भला हो सके। बिल्कुल, हर महाकौशल इलाके में रहने वाला हर मतदाता भी यही चाहता है, लोग भी यही चाहते हैं, यहाँ की तस्वीर और दिशा भी बदले। जो उपेक्षा का दंश यह इलाका झेलता आया, यहाँ का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, केंद्रीय स्तर पर वो बढ़ना चाहिए और जबलपुर के लिए ये बड़ी बात होगी, क्योंकि पहले से ही प्रदेश कैबिनेट में 2 यहाँ से मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तरुण भानोट, लखन घनघोरिया, और केंद्रीय मंत्री के तौर पर यदि राकेश सिंह बनते हैं और यदि प्रहलाद पटेल पर भी मोहर लगती है, तो बेशक इस पूरे अंचल के लिए बड़ी सौगात भी होगी। हालांकि अब आने वाला जो वक्त है वह देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से कांग्रेस इस अपनी करारी हार को लेकर मंथन करती है और किसी तरह का सबक लेती है कि नहीं। चुनौती जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए भी होगी आने वाले 5 सालों के लिए, तो वहीं मौजूदा वक्त में अभी प्रदेश में कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि अल्पमत की सरकार है और आने वाला जो वक्त होगा वह बड़ा चुनौतियों भरा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर नए मुद्दों के साथ, नए मेहमानों के साथ फिर हाजिर होंगे और
फिर हम एक नई चर्चा में आपके साथ पेश होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।